जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 29 जुलाई से और 4 अगस्त तक का ये प्रेडिक्शन होगी, राशिफल होगा 12 राशियों की। इस 7 डेज के अंदर क्या स्थिति होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मेष राशि का ये सप्ताह पूरा का पूरा 29 जुलाई से 4 अगस्त में आपका फोकस रिलेशन मेंटेन करने पे होगा। मेष राशि का कुछ ऐसे मित्र, कुछ ऐसे रिश्तेदार, क्योंकि लग्नगत चंद्रमा है, तो चंद्रमा का मतलब चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि जो आपसे परिजन आपके नाराज हो गए, यार मित्र नाराज हो गए उनसे, या भाई बहन नाराज हो गए, तो उनसे कहीं ना कहीं आपके रिलेशन बनने लगेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। चंद्रमा मन का कारक भी है, तो मन कुछ नया कुछ आप इस सप्ताह कर सकते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, कला संगीत साहित्य में आपका शौक जगेगा। आप फाइनेंस के बारे में बात करें तो ये सप्ताह मंगल और गुरु दोनों ग्रह आपके धन भाव में बैठे हैं, तो फाइनेंस के बारे में बात करूं तो गुरु के माध्यम से आपका फाइनेंस मध्यम रहने वाला है, जो फ्लो आपका चल रहा वही रहेगा, लेकिन मंगल यहां पर होने से कहीं ना कहीं किसी डिवाइस, बिजली उपकरण या लैपटॉप एक्सेसरी में आपके धन खर्च होते हुए नजर आ रहे, यानी फाइनेंस मध्यम रहने वाला, कुछ खर्चे भी है। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार भाव के बारे में बात करें तो सूर्य और शुक्र दोनों के दोनों परिवार भाव में बैठे हैं, तो घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, घर के अंदर शिव की देवी की पूजा करते हुए आप नजर आएंगे। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के साथ में या परिवार के किसी सदस्य को करियर में कोई शुभ समाचार मिलता हुआ नजर आएगा, यानी पारिवारिक स्थिति अच्छी है। अब हम बात कर लेते हैं पंचम भाव में बैठे हैं बुध, बुध देव जो पंचम भाव में बैठे हैं, तो संतान नया कुछ करने वाली है, या संतान का स्थान परिवर्तन है, इंस्टीट्यूट का परिवर्तन है, यानी संतान कुछ नया सीखने वाली है इस सप्ताह, ऐसा योग बन रहा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर इस सप्ताह अच्छा है। हाँ, ऑफिस जाते समय आपका जो वाहन है उस पर थोड़ा सा डेंट पे खर्चा आ सकता है, वाहन पे कुछ खर्चा आ सकता है, लेकिन करियर के अंदर अच्छा है। करियर के अंदर ये सप्ताह मीटिंग पे मीटिंग होगी, नया कुछ सीखने को मिल सकता है, सीनियर कोई या ऑफिस की ओर से कोई फरमान आ सकता है जिसको पूरा करने में सीखने में टाइम बीत सकता है। व्यापार के बारे में बात करें तो इस सप्ताह व्यापार अच्छा रहेगा, लेकिन कर्मचारी की मनमानी के कारण आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे, व्यापार में कर्मचारी के बहानेबाजी से आप परेशान रहेंगे। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह अच्छा है, सप्ताह के अंदर जो आपका पार्टनर है उनके किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगते हुए किसी काम के लिए नजर आएंगे। साथ ही साथ रिलेशनशिप अच्छा है, पार्टनर आपको कोई गिफ्ट देने वाला है, यानी दाम्पत्य जीवन अच्छा है। बात करें वृषभ राशि की तो ये सप्ताह पहले फोकस देख लेते हैं, तो इस सप्ताह आपका फोकस विदेश से संबंधित किसी काम पे लगा रहेगा, या खर्चों पे कैसा कंट्रोल किया जाए इस पे आपका फोकस रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो थोड़ा ईएनटी की समस्या आ सकती है, अन्यथा हेल्थ ठीक है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस के मालिक बुध केंद्र में बैठे, फाइनेंस बहुत अच्छा है इस सप्ताह, नया काम आपको कोई प्राप्त हो सकता है, अपनी ट्रेडिंग से आउट ऑफ ट्रेडिंग कुछ सीखने को मिल सकता है, कुछ ऑनलाइन आप सीख सकते हैं, कहीं पर धन इन्वेस्ट कर सकते हैं चोरी छुपे, यानी फाइनेंस अच्छा है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव के स्वामी है सूर्य, सूर्य तृतीय भाव में बैठे, तो माता पिता कहीं ना कहीं किसी तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, मंदिर या नदी पहाड़ों की यात्रा पे जा सकते हैं, माता पिता का कहीं ना कहीं जाने के तीर्थ यात्रा में जाने के योग बनते हैं, परिवार स्थान ठीक है। साथ ही साथ पंचम भाव में केतु बैठा है, तो संतान को एंटी की पेट की समस्या, एलर्जी की समस्या हो सकती है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी है मंगल, और मंगल गुरु की सातवीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन में, तो इस सप्ताह आपका पार्टनर थोड़ा स्टमक की प्रॉब्लम से परेशान रहेगा, लेडीज प्रॉब्लम से आपका पार्टनर परेशान रहेगा, हाथ पैरों में दर्द रहेगा, लेकिन आपका पार्टनर व्रत पूजा पाठ भी करेगा। करियर के लिए आपके पार्टनर के लिए यह सप्ताह अच्छा है, रिलेशन के लिए ठीक है। करियर आपके करियर के बारे में वृषभ राशि की बात करें तो करियर के स्वामी शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह करियर आपका ठीक है, कोई व्यक्ति बॉस के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति आपको
भड़काने की कोशिश कर सकता है। आपको इस सप्ताह अपने मन की बातें अपने मित्रों को नहीं बतानी है, नहीं तो गलत एडवाइस के कारण आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ कोई आपको इस सप्ताह आपको किसी भी निर्णय में नहीं लेना है, यानी कोई भी निर्णय आपको फाइनेंस से संबंधित करियर से रिलेटेड यदि आप लेते हैं तो वो 99% गलत हो सकता है, तो थोड़ा आपको बच के रहना है। बात करें मिथुन राशि की तो ये सप्ताह सबसे पहले आपका फोकस देखा जाए तो चंद्रमा बैठ गए लाभ भाव में, यानी इस सप्ताह आपका फोकस कैसे धन कमाया जाए, कैसे अपने काम में लाभ लाया जाए, इस पे आपका फोकस होगा, उस पे आप कुछ प्लानिंग भी करेंगे, मित्र की एडवाइस से भी आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ फाइनेंस के बारे में बात करें, सूर्य और शुक्र दोनों ही आपके फाइनेंस में बैठे हैं। शुक्र हालांकि कमजोर है, सूर्य अच्छे हैं, तो सरकारी या माता पिता से कोई लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है, या सरकारी योजना से कोई लाभ या सरकारी कोई काम आपका इस सप्ताह बन सकता है, यानी 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में सरकारी काम बनेगा। कुछ खर्चे भी होंगे, परिवार पे, संतान पे, जरूरतों पे आपके खर्चे होंगे, किसी पार्टी को आप दे सकते हैं, पार्टी पे आपके खर्चे इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। बात करें परिवार भाव की तो परिवार में माता पिता को हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, किसी सदस्य को हल्की चोट लग सकती है इस सप्ताह। हाँ, आपके परिवार में किसी सदस्य की इस सप्ताह यात्रा के भी, लघु यात्रा के भी योग बन रहे हैं। बात करें करियर के बारे में तो करियर में देखा जाए तो मंगल है, मंगल 12वें में विपरीत राजयोग बना रहा है, तो इस सप्ताह करियर में आप चौंक सकते हैं, यानी दूसरे के बाटे का काम आपको मिल सकता है, दूसरे के हिस्से का काम आपको मिल सकता है। अचानक ही कोई व्यक्ति आपके सामने घी, कहते हैं ना कि आपकी थाली में घी परोस सकता है, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी जिस काम की आपको उम्मीद नहीं है वो काम आपका बन सकता है। ये सप्ताह अच्छा है, मार्केटिंग करने से, कॉन्फिडेंस ऊंचा रखने से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। मैनेजमेंट के दौर से आपको दूसरे का काम दिया जा सकता है, आपको दूसरे शहर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, दूसरे संस्थान की यात्रा भी आपको 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में भी करनी पड़ सकती है। बात करें रिलेशनशिप की तो रिलेशनशिप के स्वामी गुरु हैं, गुरु 12वें भाव में बैठे हैं, तो आपका रिलेशनशिप में आपका जो पार्टनर है थोड़ा सा हेल्थ के उनको इशू रहेंगे, दर्द की समस्या रहेगी, नेत्र की और कहीं ना कहीं ENT की समस्या रहेगी, जिसको दिखाने के लिए उनको कुछ टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, सप्ताह डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपका पार्टनर की तीर्थ यात्रा भी लिखी है, तीर्थ यात्रा में जाने के योग, पूजा पाठ करने के आपके पार्टनर के योग रहेंगे, यानी पार्टनर कुछ अच्छा भी रहेगा और कुछ खराब भी रहेगा, रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें कर्क राशि की तो ये सप्ताह कर्क राशि का पहले फोकस देख लेते हैं तो चंद्रमा जो बैठ गए हैं, चंद्रमा की चाल आपके दशम भाव में, यानी इस सप्ताह आपका फोकस काम में होगा, यानी पेंडिंग वर्क को निपटाना, काम को अच्छी तरह से करना, काम जो पेंडिंग है उसको निपटाने के लिए जी जान लगाना, यानी वर्क पे आपका फोकस रहेगा। सूर्य और शुक्र आपके लगन में, आपकी राशि में बैठे हैं, इस सप्ताह बहुत से उच्च अधिकारियों से आपको अच्छा खासा कह लीजिए सहयोग मिलेगा, बल्कि बहुत उच्च अधिकारी के साथ किसी पार्टी समारोह में जाने का भी आपको मौका मिल सकता है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस के स्वामी सूर्य हैं और फाइनेंस भाव में आपके बुध बैठे हैं, तो इस सप्ताह बड़ा धन लाभ तो नहीं होता हुआ नजर आ रहा, छोटे छोटे धन लाभ आपको होते रहेंगे, यानी कभी इधर से कभी उधर से आपको इंस्टॉलमेंट में धन आता हुआ नजर आएगा। छोटे छोटे काम आपके बन सकते हैं, बड़े काम थोड़ा नहीं बनेंगे इस सप्ताह, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ परिवार भाव के बारे में बात करें तो इस सप्ताह परिवार भाव के स्वामी हैं शुक्र, शुक्र लग्न में बैठे हैं, तो इस सप्ताह जो फैमिली के साथ में किसी मंदिर में जाने के योग आपके बनते हैं, दूसरा इस सप्ताह ही फैमिली के साथ में किसी बर्थडे पार्टी, किसी फंक्शन में जाने के योग भी बनते हैं, यानी फैमिली के अंदर अच्छा खासा उत्साह का माहौल बना रहेगा। बात करें करियर के बारे में तो करियर भाव के स्वामी गुरु है, गुरु लाभ भाव में बैठे हैं, यानी कि इस सप्ताह आपको किसी डील से लाभ हो सकता है, कोई डील आपको मिल सकती है, यानी कि बहुत मेहनत से मिलेगी लेकिन कोई डील आपको मिल सकती है इस सप्ताह। ये सप्ताह करियर के लिए अच्छा है, थोड़ा दौड़ा भागी होगी, मार्केट के चक्कर लगेंगे, लेकिन ये सप्ताह काम के लिए, डील के लिए, व्यापार के लिए अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में कर्क राशि की बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप मध्यम रहेगा, आपका पार्टनर अपने मायके में इस सप्ताह कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए जा सकता है, उसके योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं
सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह पहले उनका फोकस देख लेते हैं। नवम भाव में चंद्रमा, इस सप्ताह आप कोई मंत्र जाप, कोई साधना करने वाले हैं, कोई पूजा पाठ करने वाले हैं, यानी आपका फोकस थोड़ा धार्मिक उस पे रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको सिंह राशि वालों को वाणी में बहुत कंट्रोल करना है। इस सप्ताह आप नया कुछ सीखने वाले भी हैं, सीखने के भी आपके हो गए, कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ अपने आप को अपडेट करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको वाणी में कंट्रोल करना है, क्योंकि लगन गत बुध बहस भी करा सकता है और इसलिए आपको वाणी में कंट्रोल करना है। फाइनेंस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ भाई केतु विराजमान है, तो इस सप्ताह टूटी फूटी चीजों पे आपका धन खर्च हो सकता है। जो खराब चीजें हैं, जो काफी समय से आप सोच रहे थे कि मैं ठीक कराऊंगा, तो अब वो वक्त आ गया, आप उसको ठीक कराने में आपका धन खर्च हो सकता है। वैसे फाइनेंस ठीक है, इंस्टॉलमेंट में छोटे छोटे आपके डील होती रहेगी, छोटा मोटा धन आता रहेगा, बड़ा धन इस सप्ताह नहीं आ रहा, याद रखिएगा। बात करें परिवार भाव की, तो परिवार भाव के स्वामी मंगल है, मंगल दशम में बैठे हैं और सातवीं दृष्टि आपके ही भाव पे है, तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, यानी परिवार में पूजा पाठ रहेगा, हवन होगा इस सप्ताह आपके घर के अंदर। साथ ही साथ मंगल की जो दृष्टि है, रिपेयरिंग का काम घर में हो सकता है, प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम आपका हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं करियर के बारे में, तो करियर में दौड़ा भागी रहेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इस सप्ताह, 50-50 की प्रतिशत रहेगी, यानी भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा, आपके टैलेंट के बल पे ही आपका काम हो पाएगा। और कहीं ना कहीं इस सप्ताह क्लाइंट भी आपको बड़े स्ट्रगल वाले मिलेंगे, बहुत अच्छे क्लाइंट नहीं मिलेंगे, यानी कि ये सप्ताह थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा करियर में। रिलेशनशिप के बारे में बात करें, तो रिलेशनशिप मध्यम है, आपका पार्टनर अपने काम में बिजी रह सकता है, यानी अपने आपका पार्टनर अपने वर्क में बिजी रहेगा। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि का सबसे पहले हम फोकस देख लेते हैं। ये सप्ताह 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं आपका फोकस जो नुकसान हो गया है, जो मेरे काम नहीं बन रहे हैं, उसको कैसे बनाया जाए, इस पे आपका फोकस रहेगा। उस पे आप मंत्रणा करने वाले हैं, उस पे आप ध्यान करने वाले हैं, यानी इस फोकस आपके बाधाओं पे रहेगा। साथ ही साथ लगनगत आपकी राशि में केतु बैठे हैं, तो हल्का बैक का पेन आपको रह सकता है, यानी कि हल्का स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल का पेन आपको रह सकता है। फाइनेंस के बारे में, धन की स्थिति के बारे में बात करें, तो धन के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, तो दो जगह से आपको धन लाभ इस सप्ताह हो सकता है, सरकारी योजना या माता पिता से कोई आपको फायदा हो सकता है, कोई बड़े भाई से या मित्रों से आपको लाभ हो सकता है। दूसरा अगर देखा जाए, आपकी कोई बड़ी डील बन सकती है, यानी यह सप्ताह धन के लिए बहुत अच्छा है। बात करें परिवार भाव के बारे में, तो परिवार भाव के स्वामी मंगल हैं, मंगल नवम भाव में बैठे हैं, और तो कहीं ना कहीं परिवार भाव के स्वामी मंगल और गुरु की युति है, तो घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल, घर के अंदर कोई ना कोई साधना करते हुए आपके परिवार के सदस्य नजर आएंगे, यानी घर के अंदर अच्छा माहौल रहेगा। बात करें करियर के बारे में, तो करियर के बारे में अगर बात करें, तो सप्ताह बिजी शेड्यूल रहने वाला है, शनि छठे भाव में बैठे है, यानी कि सप्ताह थोड़ा आप जूनियर से आपकी बहस हो सकती है, आपके जो कर्मचारी है उनकी लेट लती हुई बहाना बजी झूठ के कारण आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, अदरवाइज ये सप्ताह आपका बिजी सप्ताह है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें, तो यहां पर राहु बैठा है और रिलेशनशिप के स्वामी गुरु कहीं ना कहीं नवम भाव में बैठा है, तो इस सप्ताह आपका जो पार्टनर है वो बड़ा धार्मिक हो जाने वाला, पूजा पाठ करने वाला है, मंत्रोच्चार करने वाला है, तीर्थ यात्रा के आपके पार्टनर और आपके योग बनते हैं, भंडारा करवाने के आपके और आपके पार्टनर के योग बनते हैं, कोई मनोकामना है उसको पूरा करने वाला आपका पार्टनर, यानी कुल मिला के आपका पार्टनर का धार्मिक बदलाव इस सप्ताह नजर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं लगन में राहु है, आप पे आपकी बातों पे पार्टनर को संचय रहेगा, डाउट रहेगा, आपकी आपकी बात एक बार में नहीं मानेगा, लेकिन कोई वाद विवाद नहीं है, रिलेशनशिप अच्छा है। चलिए हम बात करते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह यानी 29 जुलाई से 4 अगस्त तक, सबसे पहले तुला राशि के फोकस के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस सप्ताह आपका फोकस रिलेशनशिप में होगा, रिलेशनशिप में सुधार कैसे लाया जाए, जो नाराज व्यक्ति है उसको कैसे मनाया जाए, यानी इस सप्ताह आपका जो पूरा फोकस है अपने रिलेशनशिप को सुधारने में और अपने फैमिली पे रहेगा। चलिए हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं, तो हेल्थ आपकी सप्ताह अच्छी नजर आ रही है, थोड़ा फोड़ा फुंसी एलर्जी की समस्या रह सकती है। फाइनेंस के बारे में बात करें, तो तुला राशि का, तो इस सप्ताह यानी 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में
इस सप्ताह फाइनेंस के धन के मालिक मंगल है और मंगल अष्टम भाव में गुरु के साथ में बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपके खुद कुछ खर्चे आ सकते हैं, आपके LIC में खर्चे आ सकते हैं, आपके पॉलिसी में, सरकारी किसी स्कीम में आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, किसी पारिवारिक जिम्मेवारी में आपका धन खर्च हो सकता है, पूजा पाठ दान धर्म में आपका धन खर्च हो सकता है। इस सप्ताह आपको अचानक धन लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है या रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन धन खर्च भी इस सप्ताह होता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की, तो परिवार में जो सदस्य है वो अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे। शुक्र की दृष्टि से कहीं ना कहीं परिवार के साथ में वीकेंड में आप किसी होटल में जा सकते हैं, किसी मॉल में घूमने जा सकते हैं, उसके हल्के योग सैटरडे संडे के आपके बन रहे हैं, अदरवाइज फैमिली लाइफ ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें करियर के बारे में तुला राशि की, तो ये सप्ताह नौकरी वाले या करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है। 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में कोई षड्यंत्र करने की कोशिश करेगा, कोई आपको भड़काने की कोशिश करेगा, आपको नजर आएगा। और इस सप्ताह आपको कोई गलत काम नहीं करना है करियर में, अगर आप गलत काम करेंगे तो आप पकड़े जा सकते हैं, जिससे आपको सजा भी मिल सकती है। तो इस सप्ताह याद रखिएगा किसी भी प्रकार का अनैतिक काम आपको करियर में नहीं करना, नहीं तो आपको नुकसान होगा। छठे भाव में राहु बैठा है तो कहीं ना कहीं इस तरह का, अन्यथा करियर आपका नॉर्मल है, अच्छी डील रहेगी। बस 2 नंबर का किसी भी प्रकार का काम, अनैतिक काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं तुला राशि के रिलेशनशिप के बारे में, तो रिलेशनशिप भाव में चंद्रमा बैठा है, तो इस सप्ताह आपके पार्टनर को मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहेगी, आपका पार्टनर का नित्य संगीत कला में इंटरेस्ट आ जाएगा, कुछ वो इस तरह की चीजें सीख भी सकते हैं, इस तरह की चीजों में उनका शौक आ जाएगा और थोड़ा मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहेगी, अदरवाइज आपके पार्टनर का रिलेशनशिप अच्छा। इस सप्ताह आपके पार्टनर का वाहन पे या एसेसरीज में कुछ धन खर्च हो सकता है और कुछ धन लाभ भी माता पिता परिवार से पार्टनर को होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन पार्टनर का मन चंचल रहेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह सबसे पहले उनका फोकस पॉइंट देखा जाए तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट रहेगा करियर में, करियर में कैसे काम को बढ़ाया जाए, किस तरह से प्रॉब्लम को दूर किया जाए, इस पे आप किसी की राय मशवरा लेने वाले हैं, समस्या का समाधान खोजने वाले हैं। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह ENT की हल्की फुल्की समस्या आपको रह सकती है, अन्यथा ठीक है। साथ ही साथ धन भाव के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन भाव के स्वामी गुरु हैं, गुरु मंगल के साथ बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपका धन का फ्लो सप्ताह अच्छा है, क्योंकि गुरु वृषभ राशि में केंद्र में बैठे हैं तो धन का फ्लो नॉर्मल ही रहेगा, कुछ खास नहीं है, लेकिन आपके कुछ धन संबंधी खर्चे आपके सप्ताह नजर आ रहे हैं, यानी 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में एक तो आपका पार्टनर के ऊपर कुछ खर्चा हो सकता है, लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर पे कुछ खर्चा हो सकता है, पार्टनर को कोई इंस्ट्रूमेंट आप दिला सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ पूजा पाठ दान धर्म पे भी आपका धन खर्च होगा, अन्यथा धन की स्थिति ठीक है। परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव में शनि बैठे हैं, तो इस सप्ताह परिवार भाव नॉर्मल है, परिवार के सभी मेंबर अपने काम में बिजी रहेंगे, यानी परिवार भाव नॉर्मल है। साथ ही साथ पंचम भाव में राहु बैठा है, तो इस सप्ताह संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं है, संतान के कार्यों में विघ्न बाधा रहेगी, संतान को अचानक ही कुछ हेल्थ के इशू हल्के मुल्के नजर आएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के बारे में, अगर हम वृश्चिक राशि के बारे में बात करें तो यहां पर करियर के स्वामी है मंगल, मंगल केंद्र में बैठे हैं, तो इस सप्ताह 3 घटनाएं करियर में होती हुई नजर आ रही है। पहला, आपका स्त्री से सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, कार्य में कुछ परिवर्तन होंगे, मैनेजमेंट में परिवर्तन होंगे, जिसका लाभ आपको नजर आएगा। दूसरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा आपको ऑर्डर का लाभ, धन का लाभ भी सप्ताह मिलेगा। तीसरा, किसी से किसी टॉपिक को लेकर आपके बहस भी हो सकती है, यानी अच्छा मिक्स मैच रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में वृश्चिक राशि की, तो मंगल और गुरु सप्तम भाव में बैठा है, तो इस सप्ताह आपके पार्टनर को हेल्थ के इश्यू रहेंगे, पेट संबंधी प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या इस सप्ताह आपके पार्टनर को रह सकती है। आपका पार्टनर पूजा पाठ में बिजी रहेगा, कुछ पूजा पाठ करने वाला है, लेकिन आपके पार्टनर का टेम्परामेंटल बहुत हाई रहेगा, यानी गुस्सा नाक पे रहेगा, बात बात पे गुस्सा करता हुआ रहेगा, तो इस सप्ताह आपको धैर्य रखने की जरूरत है, याद रखिएगा, वरना रिलेशनशिप में बड़े वाद विवाद रहने वाले हैं। बात करें धनु राशि की, तो ये सप्ताह 29 जुलाई से और 4 अगस्त के बीच में
सबसे पहले आपका फोकस देख लेते हैं। तो इस बार आपका चंद्रमा पंचम भाव में, तो आपका फोकस अपने को अपग्रेड करने में होगा, कुछ पढ़ेंगे भी आप इस सप्ताह, और संतान की परवरिश पे, संतान पे आपका फोकस रहेगा, संतान के काम में भी आपका फोकस रहेगा, यानी संतान के पेंडिंग काम भी आप निपटाने वाले हैं। फाइनेंस के बारे में बात करें तो इस सप्ताह फाइनेंस बहुत अच्छा नहीं है, मध्यम रहेगा, यानी कि मध्यम फाइनेंस रहेगा, यानी हैंड टू माउथ आप रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं परिवार भाव के बारे में बात करें तो माता पिता को हाथ पैरों में दर्द की अर्थराइटिस सर्वाइकल की समस्या इस सप्ताह सता सकती है, लेकिन घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, घर के अंदर हवन का माहौल रहेगा, लेकिन माता पिता के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, उनके हाथ पैरों में दर्द की संभावनाएं रहने वाली है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो मंगल और गुरु दोनों के दोनों करियर के स्वामी है, एक अच्छा और एक बुरा काम होगा, यानी कि पहले हम बात कर लेते हैं अच्छे काम के बारे में, तो इस सप्ताह आपको नया काम, नए काम में सफलता मिलेगी या नई जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है, जो आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता गुरु के कारण मिलेगी। मंगल के कारण पुलिस स्टेशन कोर्ट के आपके चक्कर लग सकते हैं, किसी से बहस हो सकती है, इसका योग भी इस सप्ताह बन रहा है। रिलेशनशिप के बारे में अगर हम धनु राशि के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के स्वामी बुध है, बुध नवम भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपका जो पार्टनर है उनका कुछ नया कुछ सीखने का योग बनता है, कुछ पढ़ने का, कुछ सीखने का, कुछ कोर्स करने का योग इस सप्ताह बनता है। इस सप्ताह आपका पार्टनर बहुत धार्मिक हो जाने वाला है, काफी पूजा पाठ मंत्र चार करने वाला है, रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें मकर राशि के बारे में तो मकर राशि का फोकस पॉइंट देख लेते हैं, चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है, तो इस सप्ताह आपका फोकस भाई परिवार होगा, यानी या तो परिवार होगा या प्रॉपर्टी होगी, तो या तो परिवार से संबंधित जो समस्या चल रही है उसको सुलझाने का प्रयास इस सप्ताह करेंगे, या कुछ रिपेयरिंग, कुछ वाहन के रिपेयरिंग, घर का रिपेयरिंग का आप काम करवाने वाले हैं या उसकी योजना बना सकते हैं। फाइनेंस के बारे में बात करें तो द्वितीय भाव में शनि है, तो इस सप्ताह आपका मन चटपटा खाने का कर सकता है, ठीक है ना, आपका खान पीन का रूटीन बिगड़ सकता है, जिससे पेट की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। इस सप्ताह आपको जिम्मेवारी वाला काम मिल सकता है, धन की स्थिति, आप धन आएगा रुक रुक के, इंस्टॉलमेंट में आपका धन आता हुआ नजर आ रहा है। तृतीय भाव के अंदर राहु बैठे हैं, पड़ोस से वाद विवाद, भाई बहनों से आपके सप्ताह वाद विवाद भी हो सकते हैं। और करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी बुध है, बुध अष्टम भाव में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो करियर में बड़ा परिवर्तन, नया कुछ प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है, ऊंचे पद, ऊंची मैनेजमेंट से कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, उसके लिए आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, यानी ऑफिस में किसी नई चीज को सीखने में आप बिजी रह सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो सूर्य और शुक्र दोनों ही सप्तम भाव में बैठा है, तो आपके पार्टनर का किसी फेमस नेता या सेलिब्रिटी से मुलाकात हो सकती है, वो आपको घर आके बता सकते हैं। साथ ही साथ पार्टनर आपको कोई ना कोई परिवार से संबंधित खुशखबरी भी देने वाला है, रिलेशनशिप अच्छा है। अब बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि के बारे में, तो कुंभ राशि का सबसे पहले हम फोकस पॉइंट जान लेते हैं, तो फोकस पॉइंट चंद्रमा तृतीय में है, तो यानी कि इस सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट होगा कुछ लिखने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ लर्न करने वाले हैं, रिलेशनशिप जो नाराज व्यक्ति है उनसे को मनाने वाले हैं, यानी रिलेशनशिप पे आपका फोकस रहेगा, प्लस पढ़ने लिखने पे इस सप्ताह फोकस रहेगा। आप सबसे पहले ये चीज बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, तो हाथ पैरों में दर्द, ज्वाइंट में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, अदरवाइज ये सप्ताह यानी 29 जुलाई से 4 अगस्त तक हेल्थ अच्छी है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस के स्वामी गुरु केंद्र में बैठे हैं, 2 लाभ और 1 नुकसान है, यानी पहले हम 2 लाभ इस सप्ताह नजर जो आ रहा है, पहला चीज देखा जाए तो प्रॉपर्टी से आपको कुछ लाभ हो सकता है, कुछ मार्केटिंग से आपको लाभ हो सकता है, बाजार से आपको कुछ धन लाभ हो सकता है, दूसरा शेयर से, इन्वेस्टमेंट से, बैंकिंग से आपको कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन नुकसान क्या है, आपकी कोई सोने की वस्तु, चांदी की वस्तु खो सकती है, उसका धन हानि का योग नजर आ रहा है इस सप्ताह। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में, तो मंगल और गुरु दोनों ही चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह परिवार में यानी 29 जुलाई से 4 अगस्त में कोई प्रॉपर्टी से रिपेयरिंग का आप कुछ काम हल्का फुल्का कराने वाले हैं, बाथरूम का, लकड़ी का, बिजली का, या प्रॉपर्टी में रिपेयरिंग का जो काम होता है वो कराने वाले, गुरु भी साथ में बैठे हैं, घर के अंदर पूजा पाठ भी आप कराने वाले हैं, पूजा पाठ का माहौल रहेगा, मंत्र उच्चारण का माहौल इस सप्ताह आपका रहने वाला है, यानी पारिवारिक सुख अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो सूर्य और शुक्र दोनों ही
कर्क राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह बॉस से आपको सराहना मिलेगी, बॉस आपकी पीठ थपथपाएंगे, बॉस के द्वारा आपको आपको प्रशंसा मिलेगी, यानी बॉस से पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा और ऑफिस में आपको कोई सरप्राइज पद या कोई गिफ्ट मिलेगा या कोई सरप्राइज न्यूज भी इस सप्ताह मिलेगी। यानी ये सप्ताह आपके लिए बहुत यादगार है कुंभ राशि वालों, सूर्य शुक्र का जादू आपके करियर में चलने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं, चाहे आपके लव पार्टनर हो चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, बुध वहां पर बैठा है, आपका पार्टनर बात बात पे बहस कर सकता है तो पार्टनर से मत उलझिएगा इस सप्ताह। इस सप्ताह आपका पार्टनर बेफालतू की बातों में आपको उलझाने की कोशिश करेगा, आपसे वाद विवाद करने की कोशिश करेगा, आप पे डाउट करेगा, बस आपको आपको शांत रहना है, उलझना नहीं है याद रखिएगा, बाकी रिलेशनशिप ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अंतिम राशि यानी मीन राशि के बारे में, तो मीन राशि का सबसे पहले फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट एक्स्ट्रा इनकम पे रहेगा, जो मैंने धन उधार दिया है वो कैसे मुझे मिलेगा या लोन मेरा कैसे अप्रूव्ड होगा, यानी धन पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। इस सप्ताह आपके हाथ पैरों में थोड़ा दर्द की समस्या, फिसलने से हल्की चोट की समस्या आपको रह सकती है, लेकिन वो विरले ही लोगों के साथ रहेगी, अदरवाइज आपका हेल्थ अच्छा है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस के स्वामी धन के स्वामी कहीं ना कहीं मंगल है, मंगल गुरु तृतीय भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपको एक लाभ और दो सामान्य फल मिलेंगे, यानी कि आपको किसी स्त्री से कुछ एडवाइस से या स्त्री से कोई गिफ्ट प्राप्त हो सकता है, पहला चीज ये, कोई वस्त्र कोई ऑर्नामेंट आपको किसी लेडी से प्राप्त हो सकता है। दूसरा, मंगल और गुरु के कारण इस सप्ताह धन की स्थिति आपकी मध्यम रहेगी, लेकिन धन के लिए किसी से वाद विवाद भी इस सप्ताह हो सकता है, ना चाहते हुए भी आपका वाद विवाद हो सकता है, इसका योग बन रहा है, यानी 29 से लेकर और 4 अगस्त तक। यदि ऐसा कुछ होता है तो आप कमेंट में भी मित्रों जरूर लिखा करें। साथ ही साथ पंचम भाव में सूर्य और शुक्र दोनों विराजमान है, तो इस सप्ताह संतान के लिए बहुत अच्छा है, तो संतान को कोई मेडल अवार्ड कोई अप्रिसिएशन मिलता हुआ नजर आ रहा है, संतान की तारीफ की जा सकती है, उनकी टीचर उनकी तारीफ करता हुआ नजर आएगा, संतान संबंधी कोई खुशखबरी आपको इस सप्ताह मिल सकती है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो बुध बैठे हैं सिंह राशि के अंदर, करियर में नई डील मिलती हुई नजर आ रही है, करियर में नया प्रोजेक्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी नया परिवर्तन है जो आपके लिए पॉजिटिव है, नई चीज आपको मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आप रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के भाव के स्वामी केतु है, यानी केतु वहां विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छे ही नजर आ रहे हैं, कोई दिक्कत इस सप्ताह नजर नहीं आ रही, लेकिन आपके पार्टनर को पेट की एसिडिटी की हेल्थ के इश्यू इस सप्ताह नजर आ सकते हैं, कुछ टेस्ट पार्टनर के हो सकते हैं, यानी पार्टनर को थोड़ा हेल्थ के प्रॉब्लम रहेंगे, अन्यथा ये सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा है। मित्रों ये होती है जनरल प्रिडिक्शन, यदि आपको जनरल प्रिडिक्शन भी अच्छी लगती है तो मैं यही कहूंगा कि आप किसी परेशानी में है, कोई परेशानी सह रहे हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पे आप नाम डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए, कष्ट को मत सहिए, क्योंकि कहा जाता है ना आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बहुत बार आप कुंडली जब दिखाते हैं जब वो घटना हो जाती है आप लुट लेते हो, जब भी आपको कुछ डाउट है ना कि गड़बड़ होने वाला है तभी कुंडली दिखाओ तभी उपाय करो तब आपको ज्योतिष का चमत्कार नजर आएगा, लेकिन अक्सर क्या होता कि आप लापरवाही के कारण आप कुंडली जब दिखाते हो जब पार्टनर छोड़ के जा चुका होता है, नौकरी छूट के चली जाती है, जब आपका व्यापार खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई ज्योतिषी क्या कर लेगा आपके जीवन में, तो हमेशा कुंडली जब दिखाओ जब आपको लग रहा है कि आप नेगेटिव कि मुझे डाउट है आशंका तब दिखाओ, चमत्कार आपको दिखेगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी।